With sunny morning, you're most welcome here to the Jitendra English Trend YouTube channel. My dear friends, today I'm going to... Overall, I want to tell you... कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ. तो चलिए देख लेते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ. माई डियर फ्रेंड्स, आप हमेशा कोई भी स्पीच देते हैं तो लास्ट में कुछ आप बताते हैं कि ओवरऑल. ओवरऑल मतलब होता है कुल मिलाकर. ऐसा कहते हैं ना, कुल मिलाकर ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा आप कहते हैं. तो ओवरऑल के स्थान पर आप कितने कितने वर्ड्स और कैसे कैसे एडवांस तरीके से या बेसिक तरीके से आप यूज कर सकते हैं, देखते रहिए वीडियो को एंड तक ताकि आप पा सकें एडवांस और बेसिक सब इंग्लिश. देखिए, कोई भी स्पीच जब देते हैं तो उसको बात बोलते हैं ओवरऑल आई वॉन्ट टू से दैट यू हैव टू डू दिस, राइट. सबसे पहले ठीक है, कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि आप ये करिए. ठीक है, मान लीजिए इसे कुछ समझाते हैं. कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये से समझिए, अच्छे से पढ़िए. ठीक है, ये कहना. तो ओवरऑल के स्थान पर आप क्या क्या कह सकते हैं. ओवरऑल के स्थान पर आप यूज कर सकते हैं ऑल टुगेदर, जिसका मतलब होता है कुल मिलाकर. आप इसके स्थान पर और यूज कर सकते हैं इन सम, या फिर यूज कर सकते हैं इन टोटल, या फिर यूज कर सकते हैं इसके स्थान पर इन समरी, यानी कि संक्षेप में. और यूज कर सकते हैं ऑन द होल. ऑन द होल का मतलब भी क्या होता है, कुल मिलाकर. समझ आ रहा है कि नहीं. तो कितने सारे वर्ड्स हो गए, बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने, जैसे कि इन सम एंड ऑल टुगेदर, और आपके सामने आ जाता है इन समरी और इन टोटल, ऑन द होल, ओवरऑल. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो. कुछ वर्ड्स अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए जितेंद्र इंग्लिश ट्रेनर को एंड कीप ऑन वॉचिंग वीडियो डेली इन द मॉर्निंग 6 o'clock. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग हियर फॉर कंटिन्यूइंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.